हे गाइस, वेलकम बैक टू पावर टॉक। दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं लखनऊ से दिल्ली, और आज हम ले जाएंगे अपनी इग्निस। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। और हमारे साथ हैं हमारी वाइफ और हमारी छोटी बेटी। हाय करो दिवाक्षी, सबको हाय करो। और गाड़ी में हम दो लोग हैं, और बाकी अभी हम जाएंगे, पहले फ्यूल इसमें फिल कराएंगे, पूरा फुल कराएंगे इसको। और गाड़ी में सामान भी पूरा फुल है, मैं आपको पीछे चल के दिखाता हूँ एक बार। देखिए, पूरा सामान डिग्गी में पूरा फुल है, इससे ज़्यादा सामान इसमें और नहीं आ सकता था। और इसके अलावा पीछे वाली सीट पे भी दो बैग हैं, ये रखे हुए हैं, बाकी हम दो लोग तो ही हैं। और जैसा कि आपको पता है कि मोस्टली इसमें हम लोग ट्रेवल करेंगे ऑन एक्सप्रेस वे। थोड़ा सा ट्रैफिक है यहाँ पे, हम पेट्रोल पंप तक जाएंगे, उसके बाद हम चढ़ जाएंगे उस पे एक्सप्रेस वे पे। और पूरा हमारे घर तक नोएडा में सेक्टर 143 तक आपको एक्सप्रेस वे ही मिलने वाला है। और स्पीड की बात की जाए तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 100-110 की स्पीड मेंटेन करेंगे, और आपको बताएंगे कि ओरिजिनली, मतलब कि एक्चुअल कंडीशन में, रियल वर्ल्ड में कितना माइलेज देती है इग्निस। तो चलिए शुरू करते हैं। पेट्रोल फुल? हाँ, फुल फुल पेट्रोल, पूरा एकदम किनारे तक। ओके, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने पूरा पेट्रोल फुल करवा लिया, और 96.53 रुपये के हिसाब से 31.55 लीटर जो है इसमें पेट्रोल आया हुआ है, और ये 3,045.52 रुपये का हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। और अगर बात की जाए अब यहाँ पे, तो इसको हम अब रीसेट कर लेते हैं हम ट्रिप को। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो, अगर बात की जाए तो अभी एवरेज स्पीड है, तो एवरेज जो माइलेज दिखा रहा है ये 16.5 का फ्यूल इकोनॉमी दिखा रहा है एवरेज, और 464 की रेंज दिखा रहा है। और इसको अब हम रीसेट करते हैं पूरा। ओके, तो जैसे आप देख सकते हैं, आप हमने इसको रीसेट कर दिया है। फ्यूल इकोनॉमी आपको कुछ दिखा नहीं रहा है यहाँ पे, उसके साथ साथ आप ट्रिप देखेंगे, ट्रिप भी आपको 0 किलोमीटर दिख रही है। और इसके बाद आपको जो एवरेज स्पीड है वो भी हमने जो यहाँ पे रीसेट कर दिया है। अब हम चलते हैं करीब करीब 500 किलोमीटर, और वहाँ पे फिर से एक बार इसको हम रिफ्यूल कराएंगे, और देखेंगे कितना माइलेज आता है इस ट्रिप के दौरान हमको मिलता है रियल टाइम में। चलिए फिर शुरू करते हैं यात्रा। अभी हम लोग जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो है लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे, और करीब करीब 300 किलोमीटर का स्ट्रेच है ये। इसके बाद हमको आएगा यमुना, और यहाँ पे जो परमिसेबल स्पीड लिमिट है वो है 100 किलोमीटर पर घंटे की। और देखिए, लगभग लगभग इसको हम एक ब्रेक लेते हैं अगर रास्ते में, तो लगभग लगभग इसको हम 3-3.5 घंटे में पूरा करने वाले हैं। इसमें जगह जगह स्पीड के लिए आपको वो भी लगा हुआ है, चेक स्पीड कैमरा लगे हुए हैं, तो आप स्पीड हमेशा मेंटेन करिए। तो अभी जो टोल निकला, ये पहला टोल है। इस पे अगर आप लखनऊ से आगरा तक जाएंगे तो केवल दो ही टोल आते हैं। यहाँ पे आपको जो फास्ट टैग है वो स्कैन हो जाता है, और जब आप एग्जिट लेते हैं उसके हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से आपके पैसे कट जाते हैं। आपने देखा इसकी हालत क्या है, ये बहुत ही बुरा है, यहाँ पे हमेशा आपको दिक्कत ही मिलेगी। और अगर यहाँ पे ज्यादा ट्रैफिक होता है तो काफी लंबी लाइन लग जाती है। और इसके बाद हम जो है, अगला जो टोल आएगा वो आगरा के करीब करीब आएगा 10 किलोमीटर पहले, तो वहां पे जो है स्कैन होकर करीब करीब 650 रुपये इस पे कटते हैं। मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं है, मैं आपको बाद में यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ पे स्कैन एडिट करते हुए। अभी हम लोग करीब करीब 100 किलोमीटर आ चुके हैं इस रोड पे, और अभी रात हो चुकी है। अब आप देखेंगे तो अभी हम लोग 100 की स्पीड मेंटेन कर रहे हैं। और अब अगर आप माइलेज की बात करेंगे
तो जो MID में शो कर रहा है अभी वो 18.3 किलोमीटर पर लीटर का शो कर रहा है और 102 किलोमीटर की ट्रिप पूरी हो चुकी है। एवरेज स्पीड जो है वो 93 की है अभी। और अभी इस रोड पे इस एक्सप्रेस वे पे यानी कि लखनऊ टू आगरा जो एक्सप्रेस वे है उस पर भी 200 किलोमीटर करीब करीब चलना है और उसके बाद हम पकड़ेंगे यमुना एक्सप्रेस वे, उसको हम पूरा पार करेंगे, फिर ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सप्रेस वे से होते हुए हम लोग नोएडा सेक्टर 143 हमको जाना है। ओके तो अभी हम 195 किलोमीटर आ चुके हैं करीब करीब 197.5 किलोमीटर आ चुके हैं हम लोग, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अभी तक की जो फ्यूल इकोनॉमी है वो 18.3 की रही है और हम लोगों ने 100-110 की स्पीड मेंटेन करी। आप एवरेज स्पीड देखेंगे तो आपको 97 किलोमीटर पर आवर की दिखा रहा है। और यहाँ पे हम थोड़ा चाय पानी करेंगे। और अभी तक मैं आपको एक बात बताना भूल गया था, वो AC जो था अभी तक ऑन था, अब इसको हम ऑफ करेंगे क्योंकि बीच बीच में ऑफ करेंगे, बीच बीच में ऑन करेंगे क्योंकि थोड़ा वो ठंडी लग रही है, राइट। तो उसके हिसाब से देखते हैं माइलेज पे क्या असर पड़ता है। और अगर बात किया है ब्रेक की तो इस 197 किलोमीटर में हमने कोई ब्रेक नहीं लिया, हमने केवल 2 मिनट का ब्रेक लिया था किसी वजह से और कोई ब्रेक नहीं लिया है, लगातार हम चलते आए हैं, कोई गियर शिफ्ट नहीं हुआ है, हम सीधे आके यहाँ पे रुके हैं। अभी मैं जा रहा हूँ अपने लिए चाय लेने। ये है यहाँ का जो रेस्ट रूम कह सकते हैं आप, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलने वाला है, पेट्रोल पंप है वो और इधर पूरा ये बना हुआ है। रात है अभी तो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है ये, इधर पार्किंग एरिया है और यहाँ पे दो हैं, इधर जो आप देख रहे हैं फूड कोर्ट बाई समथिंग, वो यहाँ पे बहुत सारे आउटलेट्स हैं आप देखेंगे, लेकिन काफ़ी महंगे हैं ये। और इधर आप जाएंगे सीधे, कभी अगर आप इस रोड पे आए तो आपको पता होगा, इधर आप जाएंगे तो सरकारी टाइप का है और रेट में काफ़ी फ़र्क है। यहाँ पे 20 रुपये की चाय मिलती है, वहाँ पे शायद करीब 60 रुपये की चाय मिलती है। और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं आपको बताता हूँ बाद में, आपको मैं एक बात तो बता दूँ, अगर आप इस रोड पे यानी कि एक्सप्रेस वे पर अगर आप कभी आप आए हों तो आपको पता होगा कि इस पर केवल हर 100 किलोमीटर्स पर ही आपको ये रेस्ट एरिया मिलने वाला है, पेट्रोल पम्प मिलने वाले हैं, तो आप अपने हिसाब से प्लान करें। जबकि अगर आप यमुना पर कभी जाएंगे तो वहाँ पर बताता हूँ मैं आपको, वहाँ पर हर 50 किलोमीटर पर जो है ये चीज़ें मिलने वाली हैं और वो काफ़ी अच्छी है, वहाँ पे काफ़ी चाय वाय काफ़ी बढ़िया मिलती है, यहाँ पे क्वालिटी अच्छी नहीं होती, काफ़ी महंगा भी है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है, आप इसके लिए मुझे माफ़ करिएगा, ये आलू पेटी जो चाय मैंने यहाँ पे ली है ये 30 रुपये की है, 20 रुपये की, और यहाँ पे मुझे इसको मजबूरी में रखना पड़ा है बस केवल ये वीडियो शूट करने के लिए। बाकी मुझे पता है एज अ कार लवर कोई इसको ऐसे पसंद नहीं करता रखना और ना ही देखना पसंद करता है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं इसको वीडियो शूट करके तुरंत उठा लूँगा यहाँ से। अभी मैं आपको बोल रहा था ना यहाँ पे चाय काफ़ी ख़राब मिलती है, आप उसका नमूना यहाँ पे देख सकते हैं, लोगों ने बिना पिए चाय छोड़ दी है, लेकिन ये चीज़ आप बिल्कुल मत करिए, आप कोशिश करिए कि आप चीज़ों को डस्टबिन डालिए, बहुत दूर नहीं यहाँ से, वहाँ पे आपको दिख रहा है तो आप डस्टबिन में ही डालिए, क्योंकि आपको पता सरकारी चीज़ें साफ़ सफाई इतनी रहती नहीं है और आप उसको अगर गंदा करने लगेंगे तो वो आपके लिए ही असुविधाजनक होने वाला है। ये रही अपनी कार, मैं आपको आगे से दिखाता हूँ। काफ़ी एक चीज़ आपने नोटिस की, जब आप ऐसे हाईवेज पर चलते हैं तो आगे आपको काफ़ी कतले आम दिखेगा, कीड़े काफ़ी मर जाते हैं, उनका खून लग जाता है यहाँ पे, हालांकि इस पर इतना दिख नहीं रहा, वाइट डिजायर से हम लोग आते हैं तो उस पर काफ़ी वो अपेरेंट मतलब काफ़ी दिखता रहता है उस पर। ओके तो अभी हो रहे हैं 7:38 और अब हम लोग निकलने वाले हैं। क्यों दिवाक्षी कहाँ जा रही हो? चलो अच्छा 7:41 यहाँ पे हो रहे हैं, 7:39 यहाँ पे हो रहे हैं। अच्छा खैर कायदे से दोनों टाइम मैच करने चाहिए बट नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, चलिए अब हम शुरू करते हैं और अब हम मिलेंगे आपको जहाँ पे अगली जगह रुकेंगे वहाँ पे मैं आपको मिलता हूँ। अब हम लोग टोल पे आ चुके हैं फाइनली, यहाँ से हम लोग एग्जिट लेंगे। 280 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, और चलिए यहाँ से एग्जिट लेते हैं। अब ओके यहाँ से एग्जिट ले चुके हैं हम 280 किलोमीटर पे
और अभी जो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी है वो है 18.2 की और जो एवरेज स्पीड है 97 किलोमीटर पर आवर की है। अब यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर बाद हम लोग आगरा वाली रिंग रोड लेते हुए यमुना एक्सप्रेसवे पे मर्ज कर जाएंगे। अभी हम लोग करीब 5-7 किलोमीटर में इस रोड पर से उतरने वाले हैं और जैसा कि आपने देखा है ये जो पूरी रोड है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे ये टैरमैक का बना हुआ है, यानी कि काला रोड है ये डामर का। लेकिन जो इसके बाद अभी छोटा सा बीच में रिंग रोड आएगा आगरा का और उस पर भी टोल लगता है, काफ़ी भीड़ भी लगती है। अब तो पहले उस पर मैनुअली टोल काटते थे, अब तो खैर इनका जो फास्टैग वो काम करने लगा है। और जो आगरा यमुना एक्सप्रेस वे है वो मोस्टली सीमेंटेड बना हुआ है, बीच बीच में आपको टारमैक का थोड़ा थोड़ा पैच मिलेगा बट वो 90% सीमेंटेड रोड बना हुआ है। यहाँ से आप अगर लेफ्ट मुड़ेंगे उस साइड तो आप जाएंगे आगरा और सीधे आप जाएंगे तो आप रिंग रोड होते हुए आप दिल्ली जा सकते हैं वाया यमुना एक्सप्रेस वे। अभी आगे से हम यहाँ से उतरेंगे। यहाँ से इसका एग्जिट है और यहाँ पे काफी शार्प टर्न है, तो कभी अगर आप इस रोड को लेते हैं तो हमेशा इस पे थोड़ा सा गाड़ी स्लो कर लीजिए और आराम से मुड़ाइए, अदरवाइज आपके लिए खतरनाक हो सकता है। यहाँ पे पूरा एकदम ये घुमा हुआ है, एकदम आप मान सकते हैं कि सर्कल बनाया हुआ है इसने यहाँ पे। और यहाँ के बाद ये जाके मर्ज हो जाता है उसमें जो आपका आगरा का रिंग रोड है, उस पर भी आपको टोल देना पड़ता है क्योंकि आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो वसूल करती है, करीब 45 रुपए का पड़ता है इस पे, 650 के आसपास जो है इस पे पड़ता है। मैं एग्जैक्ट जब मैसेज आएगा तब आपको देख बताऊंगा, मैं अभी एग्जैक्ट याद नहीं है। यहाँ से ये जो है शुरुआत हो चुकी है अब रिंग रोड की। अब रिंग रोड अब लंबाई इसकी कितनी मुझे पता नहीं है बट मेरे ख्याल से 3-4 से मतलब 5 किलोमीटर के लगभग है ये वाला और इसमें 20 में टोल पड़ेगा आपको।